मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। अभी शरियार भाई साहब हमारे साथ हैं और आज की जो मीटिंग है सिर्फ शिवाजी नगर वालों के लिए है कि शरियार भाई बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बहुत मेहनत किया और लोगों को बहुत सारी मैसेजेस दिए थे शिवाजी नगर वालों के, तो शायद वो मैसेज उन लोगों को पसंद आया और रिजवान अरशद को जिताया, क्या बोलते हैं? मैं तो सारे IMA के विक्टिम्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जी, कि मुझे लगता है कि ये जो रिजवान अरशद को लीड है इसमें मुझे IMA की रीडिंग दिख रही है, उनका सपोर्ट दिख रहा है, उनकी दुआएँ उनके बिल्कुल ओवरवेलमिंग सपोर्ट उनका दिख रहा है, तो उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मैं इनसे जो भी मैं वादे किया था लॉयर अपॉइंट करने का और उस और वो केस को क्या जो दूसरे भी पॉन्जी स्कीम्स उसमें जो अपेंड होके हैं उनसे अलहदा करके देख सकते हैं कि ये सब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे सब्जेक्ट टू लीगल ओपिनियन। यहाँ मैं तो लॉयर नहीं हूँ लेकिन कोशिश करेंगे कि इसका एक्सपीडिशियसली इसका हो। मैं इंशाल्लाह जैसे मैं बोला था एक, 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 एक इसके ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए रिपोर्ट देने के लिए माशाल्लाह आपके तो स्टूडियो में अच्छे लॉयर्स आते हैं, इनको भी हम लोग उनको और स्ट्रेंथन करेंगे हम लोग। मेरा ये है फरहान साहब, मैं जो भी लोग इस केस को लड़ रहे हैं उनको मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, आप देखे हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग सब एक फोर्स मिलके इन बेचारों को इंसाफ दिलाएं। तो बस ये है, यही है, अब ये इसे जद्दोजहद ये शुरू होगी। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वो हर कोई प्रोमिनेंट सिटीजन से यहाँ इधर आए, जैसे कि महबूब जान साहब रिटायर्ड ACP आए रिजवान अरशद के लिए, कनाडा से राजखान इकोनॉमिस्ट राजखान आए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुरेशी साहब आए वो तो एंटी कांग्रेस हैं, उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल था, और कई ब्लॉगर्स फरहान रशीद हैं वो भी उनका भी बड़ा सपोर्ट है, और कहीं मुझे कहीं कितने लोग फ़ोन किए, कल तो हमारी क्वींस रोड की ऑफिस ऑलमोस्ट फुल हो गई थी कि आप रिजवान अरशद आ गए क्या हमें इंसाफ मिलता है, तो बोला कि इंशाल्लाह वो खुद ओपन ऑन टेलीविजन पब्लिक में प्रॉमिस किए हैं तो यंगस्टर हैं और ज़रूर वो उनका फर्स्ट एजेंडा यही होगा कि गवर्नमेंट लेवल में और जुडिशल लेवल में वो विगरसली इस केस को परस्यू करें। और मुझे उम्मीद है कि रिजवान अरशद ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह एज एन MLA ही विल बी ए वेरी गुड पॉलिटिशियन, इनका साथ ज़रूर देंगे, हमारा साथ ज़रूर देंगे, हम भी उनका साथ ज़रूर देंगे। और जो आपका वीडियो वायरल हुआ था सपोर्ट में रिजवान अरशद के, लाखों के व्यूअरशिप उसको गए, और सिर्फ IMA के जो लोग इन्वेस्टर थे वो नहीं थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने बातों को समझा और खुल के रिजवान अरशद को सपोर्ट किया, क्योंकि कल से तकरीबन कितने हज़ार नॉन स्टॉप हम लोगों के फ़ोन और मैसेजेज आ रहे हैं कि शरियार खान कब हमसे बात करेंगे और रिजवान अरशद कब आके हमको एड्रेस करेंगे, हम कहेंगे टाइम दो थोड़ा आएंगे। तो आपका रियली बहुत बहुत शुक्रिया शरियार भाई। रिजवान अरशद साहब इंशाल्लाह मैं उनको आपके चैनल को मैं इनवाइट करता हूँ, क्योंकि आपका चैनल IMB बहुत क्रूशल फैक्टर है उनके विक्ट्री में, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। और मुझे टेमिलियंस बहुत टेमिल भाइयों ने फ़ोन किया, वो जो एंटी हिंदी जल्लिकट्टू और उनका जो कावेरी का, ये भी बड़ा अच्छा मैसेज इनको गया, रिजवान अरशद को सिर्फ मुस्लिम्स नहीं सारे तमिल भाई भी वोट किए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ जी। जी थैंक यू सो मच शरियार भाई आपका, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।